सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने मंगलवार को विवादास्पद बयान दिया। सिन्हा ने सट्टेबाजी की तुलना रेप से की और कहा कि रेप पर रोक नहीं लगा सकते तो इसे इंजॉय करते हैं। सिन्हा ने इस बयान की चारों तरफ अब आलोचना हो रही है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रंजीत सिन्हा ने सट्टेबाजी पर बोलते हुए उसकी तुलना रेप से कर डाली और कहा कि रेप पर रोक नहीं लगा सकते तो उसे इंजॉय करते हैं। न्यूज 24 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तो हैरान कर देने वाला ये बयान है और आलोचना होनी भी चाहिए जिस तरह का बयान आया है। सिर्फ हैरान करने वाला बयान नहीं, बहुत शर्मनाक बयान आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक रंजीत सिन्हा सीबीआई डायरेक्टर है और सट्टेबाजी की आप बात कर रहे हैं, खेल में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और उसकी तुलना रेप से करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जिस तरह से आपने रेप की तुलना की है कि रेप को अगर आप रोक नहीं सकते तो एंजॉय करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पूरी चीजों का रेप को लेकर पूरा मजाक बना रहे हैं। और रेप को लेकर कितनी नाराजगी, कितनी देश में एक तरह का कोहराम मचा हुआ है, किस तरह से लगातार रेप पे रेप हो रहा है और उसके बाद इस तरह का बयान हो भी सीबीआई डायरेक्टर से, ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इससे मुझे लगता है कि इस तरह के बयान को लेकर काफी तीखी प्रतिक्रिया आएगी और महिला संगठन के अलावा हर कोई, इसकी जो भी, सिर्फ महिला संगठन नहीं, जो भी इसे सुनेगा वो इसको लेकर कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज करेगा कि इस तरह के बयान की कोई जगह नहीं है और इस तरह के बयान देने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था वो किस पद पर बैठे हैं। अमित, आपको रोकना चाहेंगी। कविता कृष्णन सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता जी, ये बयान आया है, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस पर। हाँ, ये मेरा कहना है इसमें कि इसमें किसी भी किस्म के, मैं तो आज और आवाज हूँ इस बात से कि आज के अखबारों में सीबीआई की तरफ से इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं कि संदर्भ देखिए वगैरह। कौन सा वो संदर्भ है जिसमें बलात्कार को एंजॉय करने की सलाह जो है वो सही हो जाती है? ये संदर्भ मेरी समझ में नहीं आ रहा, महिलाओं के बिल्कुल समझ में आ नहीं सकता। और सीबीआई जो देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसके शीर्ष पद पर जो आदमी बैठा हो, उनको अगर बलात्कार में और एंजॉयमेंट में फर्क नहीं आता तो उस पद से उनको तुरंत हटा देना चाहिए। इसके लिए मैं कोई अपॉलोजी सुनना नहीं चाहती, कोई एक्सप्लेनेशन सुनना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि इस तरह से जो समझदारी रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्लिप ऑफ द टंग की बात नहीं है। मैं सुन रही थी कुछ ये बातें भी आ रही हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से कि ये कम्युनिकेशन समस्या है, स्लिप ऑफ द टंग है वगैरह। बात वो नहीं है, बात ये है कि ये आपकी समझदारी है ना जो टंग के जरिए निकल के आ रही है। आप इस पर चुप रहना सीख जाए ये अलग बात है, लेकिन आप ऐसा सोच रखते हैं, ऐसी बात आप कह पा रहे हैं और तुरंत अपने आप को करेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए एक्सप्लेनेशन हमें समझा रहे हैं, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इसके लिए उनको तुरंत हटाया जाना चाहिए। ये मेरे संगठन ने मांग की है, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन। कविता जी, महिला संगठन किस तरह से इसको लेकर आगे कार्रवाई करने की सोच रही है, क्या करने का मन बनाया आप लोगों ने? कल ही हुआ है, हम लोग बात करेंगे आपस में, लेकिन मैंने तो देखा है सारे महिला संगठनों ने ही इसके लिए मांग की है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको पद से हटाया जाना चाहिए। तो शुक्रिया कविता जी बातचीत के लिए।